इंडिया की बैठक से पहले लालू यादव पूरे एक्टिव मोड में हैं। लालू यादव विपक्षी एकता में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विपक्षी दलों की सभी बैठक में लालू मौजूद रहते हैं और साथ ही माना ये जा रहा है कि लालू मुंबई वाली बैठक में भी खास एजेंडे के साथ जुड़ेंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि लालू की योजना है कि मुंबई वाली बैठक से पहले नीतीश विपक्षी गठबंधन के संयोजक बन जाए, जिससे नीतीश बिहार के सीएम वाली कुर्सी को खाली करें और 2025 से पहले तेजस्वी के सीएम बनने का रास्ता साफ हो। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नीतीश कुमार ही संयोजक बने, ऐसी लालू यादव जी की इच्छा इसलिए भी हो सकती है जिससे कि बिहार में मुख्यमंत्री उनका बेटा बन सके। बिहार में लालू और नीतीश दोबारा एक साथ जुड़े हैं तो संभवतः ये कारण प्रमुख है कि लालू यादव इस शर्त के साथ जुड़े हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री हो। लेकिन नीतीश कुमार जी जब तक केंद्र की राजनीति में कहीं अपना एक सम्मानजनक स्थान नहीं बना लेते हैं, तब तक नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए हो सकता है लालू यादव ये प्रयास करें कि पहले वो बिहार से निकल करके देश की राजनीति में सक्रिय हो, राष्ट्रीय संयोजक या अन्य किसी पद पर पदासीन हो, जिससे बिहार में उनका बेटा मुख्यमंत्री बन सके। फिर दिल्ली पर वो कितना सफल होंगे या लालू यादव उन्हें सफल होने देंगे या नहीं, ये आने वाला समय और नीतीश कुमार की सफलता और असफलता पर तय होगा। कहा यह जा रहा है कि मुंबई बैठक में लालू एक तीर से दो शिकार करेंगे, जिसके बाद लालू के इस जबरदस्त दाव से नीतीश और तेजस्वी दोनों की लॉटरी लग जाएगी। खैर, लालू अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं जानने के लिए विपक्षी दलों की आगामी बैठक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।